कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने अपने कपड़े उतारना शुरू किया तो अधिकारियों में मचा हड़कंप, जमकर हुआ बवाल। पुलिस कस्टडी में देवा पारदी की मौत के बाद लगातार दूसरे दिन मंगलवार को हंगामे और बवाल की स्थिति निर्मित हुई। मंगलवार को पारदी समाज के महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में हंगामा खड़ा कर दिया। महिलाओं ने विरोध में खुद के कपड़े फाड़ डाले, चूड़ियां तोड़ ली और अर्धनग्न अवस्था में आ गए। ये देख मौके पर मौजूद अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। हालांकि मौके पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने सूझबूझ और समझदारी का परिचय देते हुए महिलाओं के शरीर को दुपट्टे और अन्य कपड़ों से ढका और उन्हें समझाने का प्रयास किया। कई महिलाएं रोते विलाप करते हुए वहीं गिर गईं और विरोध पर आमादार रहीं। ये देख पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय से बाहर निकालना शुरू कर दिया। महिला पुलिस कर्मियों ने एक के बाद एक महिलाओं को कार्यालय से बाहर निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का चैनल गेट बंद कर दिया। हालांकि इस दौरान धक्का मुक्की और झूमा झपटी की नौबत भी बनी। उक्त महिला ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमारी नहीं सुनते हैं, हमारे बच्चे को मार दिया, दोषी पुलिस वालों पर कार्यवाही भी नहीं कर रहे हैं। दरअसल पुलिस कस्टडी में देवा पारदी की रविवार रात को हुई मौत के बाद पारदी समाज की महिलाओं ने जिला अस्पताल में भी विरोध में बवाल मचाया था। सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पहले पीएम और फिर गांव में अंतिम संस्कार कराया गया। वहीं आज मंगलवार को महिलाएं फिर जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंची, जहां देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। मजिस्ट्रेट जांच के हुए हैं आदेश। उल्लेखनीय है कि पुलिस कस्टडी में देवा पारदी की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने चोरी के मामले में रविवार को देवा पारदी और उसके चाचा गंगाराम को उठाया था। उसी दिन देवा की शादी होने वाली थी और परात जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी के दिन ही पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। इस मामले के सामने आने के बाद पारदी समाज की महिलाओं में जमकर नाराजगी है और वह आक्रोशित है। दोषी पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने और सख्त कार्यवाही करने की मांग कर रही है। उधर पुलिस सीने में दर्द उठने के बाद देवा पारदी की मौत होना बता रही है। पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हुए हैं। अम्मा पैसे दे दे 5 लाख, बेटा मैं गरीब हूँ, नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे बेटे को तो मारूंगा, बेटे को तेरे मारूंगा मैं। कौन सा पुलिस वाला मांग रहा था पैसे? भार्गव, संतोष भार्गव। कितने मांग रहा था? 5 लाख रुपए मांग रहा था बेटा, मैं गरीब का आज दे साहब, मैं मेहनत कर करते मेरे बच्चे को से बसा, मैं जबरदस्ती में जवान करा था, लड़की को गोकुल चक्र मांग के शादी कर रही थी, तो आगे बच्चे को वो दोनों दरोगा बंटी मैडम कैसे उठा के। अंशुरा भाई, मैं माँ हूँ, ये देवा की। कलेक्टर साहब यही बोल रहे हैं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दें। सर मैंने आता थे क्यों बताया, बच्चा क्या बुढ़ा था क्या ये था, नाबालिग बच्चे को आता थे कैसे आ सकता है? आपने बॉडी देखी थी उनकी? वो भी मानता हूँ। बॉडी देखी थी क्या आपने? क्या कोई निशान निशान है क्या मारे बिठाए के? तोड़ रखे हाथ तोड़ मतलब पिता से ही मरा, नीचे आंख में डाल दी पेट्रोल डाल दी लेटरिन में, कमर लेटरिन में पेट्रोल डालने से लड़का खत्म हुआ और आंख में नीचे, और मारपीट तो भयंकर हुई, डॉक्टरों से भी पूछा जाए, और जो अंदर जेल में बच्चा है दोनों की पिटाई हुई, एक जिंदा भी है। कौन उनकी? मैं सास हूँ गंगू की। अच्छा, इनकी सास आपके? हाँ, ये तो मेरी बहन की लड़की। अच्छा, भतीजे जो बच्ची है वो? मेरी बहन की लड़की, मेरी दुल्हन है ये, दुल्हन। अच्छा, ये दुल्हन है मेरी बहन की लड़की। अब तुम बताओ तो शादी कब होना? बच्ची का हम क्या करेंगे आप जानते हो? अब इस बच्ची ना इधर की है ना उधर की, हमारी बिरादरी में कोई अपनाता नहीं है। इसको 4 हल्दी चढ़ गई, बारात के दिन दूल्हा मर गया, बारात के दिन दूल्हा को मारा गया, तो हमें इंसाफ तो कुछ मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ मिले बस।